हेलो दोस्तों, दिस इज संगीता फ्रॉम होम मेकर्स रेजी। आज मैं आपके साथ गांठ गोभी या कहो नवल कोल की सब्जी का रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये कुछ अलग टाइप का रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए, बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बनाते हैं गांठ गोभी की सब्जी। गांठ गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा किलो के करीब गांठ गोभी लेकर आई हूँ। बाज़ार से जब हम ये लाते हैं तो हमें ये देखकर लाना है कि ये बहुत ही टेंडर होना चाहिए। इसे आप अपने नाखून से भी चेक कर सकते हैं, अगर ये नाखून इसमें दब रहा है इसका मतलब ये टेंडर है। छोटे साइज़ में लीजिए हमेशा, बड़े साइज़ वाला इतना टेंडर नहीं होता है। सब्ज़ी के पत्तों को देखकर भी समझ में आता है कि ये फ्रेश है या पुराना। इसके पत्ते भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही पौष्टिक और टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके सारे पत्तों को अलग कर लेंगे। पत्तों को अलग करने के बाद हम इसके दो टुकड़े करेंगे, दो इक्वल पार्ट्स में इसे काटेंगे। आप इस स्टेज में इसका छिलका निकाल कर भी इसे पका सकते हैं। मैंने इसका छिलका बाद में निकाला है। इस तरह से मैंने सारे दो टुकड़ों में काट लिया है, जिससे कि ये जल्दी पक जाएगा। ये सब्जी ज़रा पकने में टाइम लेती है। इसे मैं प्रेशर कुकर में पहले कुक कर लूँगी। पकाने से पहले इसे एक बार अच्छे से धो लेंगे। प्रेशर कुकर में हम इसको सिर्फ दो विसल तक कुक करेंगे। जो पत्ते हमने साइड में निकाल के रखे थे उसे हम छांट लेंगे। इसमें से जो भी अच्छे वाले पत्ते हैं उसे निकाल लेंगे। हम सिर्फ पत्ते लेंगे जिसके स्टेम हम नहीं ले रहे। अब इसे अच्छे से धो लेंगे। अब इसे बारीक काट लेंगे। अब एक टमाटर और एक टुकड़ा अदरक का हम लेके इसे भी बारीक काट लेंगे। अब काफ़ी सारा फ्रेश धनिया को भी हम काट कर रखेंगे। प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है, प्रेशर निकल चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये 70-80% कुक है। अगर आपको 90-95% कुक करना है तो आप इसको 3-4 विसल तक कुक कर सकते हैं। अब इन गांठ गोभी से मैं छिलका निकाल लूँगी। इसी तरह से हम सारे छिलका निकाल कर तैयार कर लेंगे। गांठ गोभी या नवल कोल की एक और तरीके से बनाई हुई सब्जी की रेसिपी मैंने अपने चैनल में डाला है, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप ज़रूर चेक कीजिए। वो रेसिपी गांठ गोभी की भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब एक ग्रेटर की मदद से हम ये सारे ग्रेट कर लेंगे। पंद्रह मिनट के लिए मैंने 1/4 कप चने के दाल को भिगो के रखा था। भिगोने के बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और पकने में आसान। अब एक कढ़ाई में हम थोड़ा तेल गरम कर लेंगे। 2 चम्मच तेल काफ़ी है। अब इसमें थोड़ा राई डालेंगे। तेल गरम है, राई जल्दी से तड़कने लगा है। अब हम इसमें 1 तेज़पत्ता डालेंगे, साथ ही में बारीक कटा हुआ अदरक। कुछ सेकंड रुककर हम इसमें भिगोया हुआ चना दाल डाल देंगे।
इसे हमें 2 से 3 मिनट तक सौते करना है। अब जो हमने बारीक काट का टमाटर रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हमें 5 मिनट तक सौते करना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने हल्दी डाला है। जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्च को डाल सकते हैं। गांठ गोभी के पत्ते जो हमने काट कर रखे थे वो अब इसमें डाल दूंगी। पत्तों को हमें 2 मिनट तक सौते करना है ताकि ये भी पक जाए। अब कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच मैंने धनिया का पाउडर डाल दिया है। धनिया पाउडर से थोड़ा कम जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। सब मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अपने स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आधा कप के करीब ग्रेटेड कोकोनट हम इसमें डालेंगे। ये फ्रेश नारियल है। इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे। गांठ गोभी या नवरकोल जिसे हमने ग्रेट करके रखा है ये अब इसमें मिक्स कर देंगे। ये ग्रेटेड गांठ गोभी को हम सारे मसालों के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। गांठ गोभी को तो हमने पहले से कुकर में पकाया हुआ था इसलिए अब ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कम किया है इसीलिए ये कढ़ाई में लग सकता है। अगर आपकी सब्जी कुकर में पकाते वक्त पूरी तरह से ना पकी हो तो ये स्टेज में भी इसे पका सकते हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा डालकर इसे ढक देंगे। ढक देने से जो हीट तैयार होता है उसमें ये जल्दी पकेगा। अब इसमें फ्रेश धनिया पत्ता काट कर हम डालेंगे और लास्टली हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। ये बगैर प्याज लहसुन की सब्जी है। इसमें ज़्यादा मसाले भी मैंने यूज़ नहीं किया है। तेल भी बहुत ही कम है। वेट लॉस करने वालों के लिए या डायबिटिक के लोगों के लिए ये सब्जी खाना बहुत ही लाभदायक है। ये सब्जी बहुत ही न्यूट्रिशियस है, फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये फाइब्रस है। विटामिन सी की मात्रा इसमें ज़्यादा है और फोलेट भी बहुत अच्छी मात्रा में है। ये हेल्दी रेसिपी आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा रेसिपीज पसंद आया है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स करके भी बताइए कि आपको कैसा लगा और आपको किस तरह के रेसिपीज देखना पसंद है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी पसंद की रेसिपीज मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर पाऊँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।